राम जी भला करें। राधिका, श्रद्धा और सबूरी। राम जी जो भी करते हैं वो भले के लिए ही होता है। बाबा, मुझसे ये नहीं होगा। मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती बाबा। राधिका, तुझे ये राज राज ही रखना होगा। मैं जानती हूँ ये सब गलत है, लेकिन लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। अगर अगर उन्हें सच का पता चल गया तो ना सिर्फ हमें जेठ जी का प्रकोप झेलना होगा, बल्कि साथ ही साथ तेरी बसी बसाई गृहस्थी में भी बिना बात के क्लेश होंगे। लेकिन आई, मैं इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हूँ? बेटी, अब सच बोलने का वक्त निकल चुका है। अब तो इसी झूठ को अपना सच मान ले और भूल जा कि पढ़ाई लिखाई से कभी तेरा कोई नाता भी था। मैं तो हमेशा चाहता था कि तू पढ़े, इसीलिए तुझे कभी रोका नहीं। मैंने तेरी खुशी के लिए हमेशा तुझे प्रोत्साहित किया है। आज भी जो कह रहा हूं तेरी खुशी के लिए है बेटी। लेकिन बाबा, झूठी नींव पर बनाया गया रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। साई भी तो इस शादी में आए ना। अगर इस शादी का परिणाम बुरा होता तो क्या वो ऐसा होने देते? और उन्होंने आशीर्वाद भी तो यही दिया है कि श्रद्धा और सबूरी रख, सब ठीक हो जाएगा। परीक्षा के ये पल में आज आए, बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। कितना प्यारा चित्र बनाया आपने सरस्वती माँ का। रागिनी, हम कौन है माँ सरस्वती को बनाने वाले? सरस्वती माँ तो स्वयं हमें बनाती हैं। उनके आने का समय, उनके आने का तरीका, सब उनकी मर्जी पर निर्भर करता है। और कोई चाहे लाख कोशिश कर ले, जब मां सरस्वती को आना होता है तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जैसे आज शिरडी में मां सरस्वती आई हैं,
मम्मी। हाँ राधिका दीदी दुल्हन बनकर कितनी अच्छी लग रही थी। हाँ और शिरडी के लोग भी कितने अच्छे हैं। हाँ याज़दीन, ऐसा लगा ही नहीं कि हम यहाँ मेहमान हों। सब लोग कितने अच्छे से मिलते हैं। चल अब सो जा, थक गई होगी। सो गई? हाँ। शिरीन। हाँ यहाँ आओ। हम कल ही वापस बंबई जाएंगे, सामान बांध लो। कल ही? लेकिन साई ने तो 18 दिन रुकने को कहा था, अभी तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ। एक बार साई से मिलकर बात कर लेते तो। नहीं शिरीन, मैंने एक बार तुम्हारी बात मान ली और साई से मिला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब तुम मेरी बात मान लो और वापस चलो। उस फकीर की दी हुई दवा से कुछ नहीं होने वाला, और जब कोई फायदा नहीं तो रुकने का क्या मतलब। इतनी जल्दी उम्मीद क्यों हार रहे हैं हम? उम्मीद हार नहीं रहा हूँ, उम्मीद टूटने से बचा रहा हूँ, और मैं इस बार किसी की नहीं सुनूंगा। हम कल ही वापस जाएंगे और शिरडी वापस कभी नहीं आएंगे। मैंने सोच लिया है कि हम याज़दीन के इलाज के लिए उसे लंदन ले जाएंगे, चाहे उसके लिए मुझे सब कुछ बेचना ही क्यों ना पड़ जाए। लेकिन मैं याज़दीन का इलाज अच्छे डॉक्टर से ही करवाऊंगा। मुझे साईं बाबा से दूर नहीं जाना है। आओ बहू, गृह प्रवेश करो। सुखी रहो। सुखी रहो। हमारे परिवार और हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है बहू। अब से हम एक परिवार हैं, हम्म? और आज से तो शिरडी वासी हो गई। विश्वास रखो, राम जी जो करते हैं भले के लिए ही होता है। वहनी, भाकरी मैं बना दूं? मैंने कहा ना बैठी रहो, आज ही तो गृह प्रवेश हुआ है, आज तुम सिर्फ और सिर्फ आराम करो। हाँ पर कल से काम करना होगा, क्योंकि मैं उन बड़ी बहुओं में से नहीं हूं जो खुद काम करती रहे और छोटी बहू को आराम करने दे। तुम्हें खाने में कड़ी पसंद है ना, इसीलिए मैंने बनाई है। वही नहीं, आपने क्यों तकलीफ की? आप भी तो थक गई होंगी शादी का इतना सारा काम करके। कोई नहीं, आज मैंने तेरे लिए कुछ बनाया है, कल तू मेरे लिए कुछ बना देना, ठीक है? वैसे
बंबई का रहन सहन यहाँ से बिल्कुल अलग होगा ना? हाँ, अलग तो है, लेकिन हमारे परिवार के लोग कभी बंबई के रंग में रंगे ही नहीं। शरीर चाहे कितना भी बंबई में रहा, लेकिन हमारी आत्मा, हमारा मन हमेशा शिरडी में ही था, साई की भक्ति में। इसलिए शिरडी आकर भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं घर में ही हूं। इसी तो शहर में कभी भी अपनी जगह समझ ही नहीं आई होगी, क्योंकि वहां तो हर कोई मैट्रिक पास होता है और ये ठहरी अनपढ़। इसी कारण इसे गांव में अच्छा लग रहा है, पर अच्छा ही है, काम काज में कुत कुत तो नहीं करेगी। एक बात कहूं, जब से मुझे पता चला है कि तुम बंबई से हो और फिर भी बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं हो, मुझे तो बड़ी हैरत हुई। तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी क्या पढ़ाई में? अगर तुमने किसी को भी सच बताया तो मेरी बेटियों की शादियों में विघ्न आ सकता है, और वो देखने से पहले मैं अन्न जल त्याग करके अपनी जान दे दूंगा। काकी काकी, मेरे साथ खेलो ना। कोई खेल मेल नहीं, रात हो गई है, जाओ जाकर पढ़ाई करो, फिर खाना खाकर जल्दी सो जाना, कल पाठशाला जाना है। नहीं, मुझे कल फिर से रानी के यहाँ जाना है। मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़के से, पता नहीं पढ़ाई के नाम से इतनी क्यों चिढ़ है इसे। पाठशाला जाने को कहो तो ऐसा रोता है जैसे काला पानी जाने के लिए कह दिया हो, इसीलिए अपने नानी के घर चला जाता है बार बार। भाऊजी की शादी थी इसीलिए आया है, अब देखो फिर से जिद शुरू कर दी। बलवंत इधर आओ। मैं आज ही तो आई हूँ ना, मेरे लिए कुछ दिन नहीं रुकोगे? रुक तो जाऊंगा, लेकिन पाठशाला नहीं जाऊंगा। क्यों, पाठशाला अच्छी नहीं है? मुझे पढ़ाई बेकार लगती है। लेकिन बलवंत, पढ़ोगे नहीं तो आगे बहुत परेशानी होगी। काकी, आई भी हमेशा ये कहती रहती है, लेकिन मुझे नहीं पढ़ना, मतलब नहीं पढ़ना। अच्छा ये बताओ, कसरत करते हो? हाँ, काका कभी कभी जबरदस्ती करा देते हैं। वो तो रोज करने को कहते हैं, लेकिन मैं नहीं करता, बदन दुख जाता है। काका तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना, फिर तुमसे कसरत करवा कर तुम्हें दर्द क्यों देते हैं? ये तो बहुत गलत बात है। उन्हें हाजी से डांट लगवाए? नहीं नहीं, डांटना मत। जब वो कसरत कराते हैं तब दर्द जरूर होता है, लेकिन बाद में शरीर फुर्तीला और तंदुरुस्त हो जाता है, बिल्कुल काका की तरह। और मैं भी चाहता हूँ कि मैं काका की तरह तगड़ा बनूं। बलवंत, जिस तरह कसरत से बदन दुखता है लेकिन बाद में फायदा होता है, उसी तरह पढ़ाई कभी कभी उबाऊ लग सकती है, लेकिन हमारी बुद्धि को तंदुरुस्त बनाती है। एक बार अपनी पढ़ाई अच्छे से करके देखो, अपने अध्यापक जी की बात ध्यान से सुनो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि पढ़ाई में कितना मजा है। हर दिन तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा, और जब तुम पढ़ लिख कर बहुत बड़े विद्वान बन जाओगे तो सब तुम्हारे पास आएंगे, सब तुम्हारी बात मानेंगे, फिर कितना अच्छा लगेगा। तो कल से पाठशाला जाओगे? हाँ काकी, मैं जाऊंगा, मैं भी मेरा बस्ता लगा देता हूँ। वाह, तुम पढ़ी लिखी तो नहीं हो, फिर भी बलवंत को इतनी आसानी से समझा दिया। दूध ठंडा हो गया होगा, जा जाकर भाऊजी को दे आ। जी। सच छुपाने का मतलब मैं अपने अस्तित्व को छुपा रही हूँ, और फिर इसी तरह रोज रोज डर के कैसे जीऊंगी। Thank you.
सरकार कई बार पूछ चुकी कि पाठशाला में नए शिक्षक की नियुक्ति कब होगी। मैंने आपके कहने पर जगह खाली रखी, लेकिन जवाब नहीं दूंगा तो बात कहीं मेरी नौकरी पे। श्रीकांत, ऐसा कुछ नहीं होगा, नई नियुक्ति बहुत जल्द होगी। लेकिन साईं, कुछ तो इशारा दीजिए कि वो कौन है, कब आने वाला है। वो शिरडी आ चुका है, आपने उसे देखा भी है। बस इंतजार है कि वो खुद को देख पाए। ये कमरा मैं रुमाल लेके आती। नहीं, रहने दो। हाँ, तुम कुछ कह रही थी। आपने ये कमरा खाली क्यों कर दिया? ताकि तुम्हारे सामान के लिए जगह बन सके। साईं ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें अपने बराबर का स्थान दूं, तो मैंने सोचा उसकी शुरुआत ऐसे होनी चाहिए। मुझे पता है कि लड़कियों के पास ज्यादा सामान होता है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ज्यादा जगह रखी है। इस कमरे में जो भी है वो अब तुम्हारा है, उतना ही जितना कि मेरा। सब इतना प्यार दे रहे हैं हम, और मैं इनके साथ धोखा कर रही हूँ। अगर शिक्षा हमें अपने आप के लिए खड़ा होना ना सिखाए तो शिक्षित होने का क्या फायदा। मुझे इन्हें सच बताना ही होगा। आओ। हाँ? श्रीपाद, श्रीपाद जल्दी आओ। बाबा, क्या हुआ? बाबा, बाबा, बाबा क्या हुआ? क्या हुआ मामन जी को? समझ ही नहीं आ रहा है, बाबा की तबीयत कभी पूरी तरह ठीक ही नहीं होती है। पहले दो बार जब ऐसा हुआ था तो साई की उदी दी थी और तब ठीक हो गए थे, लेकिन आज ना साई की उदी है ना वैद्य जी की दवा। मैं साई से उदी ले आता हूँ। हाँ, जल्दी। रुकिए, लगता है इनका रक्त दाब कम हुआ है, उसमें अचानक ऐसा हो जाता है। साईं से उदी लाने का समय नहीं है। तब तक अगर इनकी सांस नहीं आई तो मुश्किल हो सकती है। इनका इलाज हमें अभी करना होगा। लेकिन दवा के बिना इलाज कैसे होगा? और अभी तो इनके मर्ज का पता भी नहीं चला है। द्वारका माई किधर थी?